भारत वर्ष के इतिहास में अनेकों कहानियां ऐसी हैं जिनकी ऐतिहासिक रूप से पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन फिर भी ये कहानियां हमारे दिलों पर राज करती हैं। इन्हीं में से एक अत्यंत प्राचीन कहानी है चित्तौड़ की रानी पद्मावती की, जो प्राचीन काल से ही अपनी बेमिसाल खूबसूरती के लिए जानी जाती है। चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की पत्नी रानी पद्मावती अपने रूप की वजह से दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। मंत्रमुग्ध करने वाली सुंदरता ही रानी पद्मावती की इस ऐतिहासिक कहानी का कारण बनी। आइए दोस्तों जानते हैं कि इतिहास में अंकित होने वाला ऐसा क्या प्रकरण था। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूजफुल जानकारी में। दोस्तों अगर आपको कहानी पसंद आती है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यह उस समय की बात है जब दिल्ली के तख्तो ताज पर अलाउद्दीन खिलजी का राज था। जब बादशाह को जादूगर चेतन द्वारा रानी पद्मिनी की चकित कर देने वाली सूरती के बारे में पता लगा तो उसके मन में रानी को पाने की गहन इच्छा जाग उठी। आपको बता दें कि राघव चेतन राजा रतन सिंह के महल में संगीतकार था, लेकिन वह एक जादूगर भी था और यह बात कोई नहीं जानता था। जब एक दिन उसका यह कृत्य रंगे हाथों पकड़ा गया तो उसका मुंह काला करके उसे महल छोड़ने का आदेश दिया गया। राघव चेतन अपना यह अपमान सहन नहीं कर सका और राजा रतन सिंह से बदला लेने के लिए अलाउद्दीन खिलजी की शरण में दिल्ली पहुंचा और इसके लिए उसने रानी पद्मावती को निशाना बनाया। जब उसने अलाउद्दीन खिलजी के सामने रानी की खूबसूरती का बखान किया तो खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। उसकी सेना कई महीनों तक चित्तौड़ किले के बाहर डेरा डाले रही, परंतु चित्तौड़ पर कोई आंच नहीं आई क्योंकि दुर्ग का निर्माण कुछ ऐसे किया गया था कि आवश्यकता की सारी वस्तुएं किले के अंदर ही मौजूद थी और इस कारण सुल्तान की सेना का सब्र टूटा और सेना को वापस लौटना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी ने राजा रतन सिंह को पैगाम भेजा कि वह एक बार रानी का दीदार करना चाहता है। दोस्तों इस बात से राजा रतन सिंह हैरान तो नहीं हुए, पर राजा का कहना था कि यह राजपूती मर्यादा के विरुद्ध है। राजपूतों की स्त्रियां पराए पुरुषों के सामने नहीं आती हैं। पैगाम में लिखा था कि जिस रूप के दीदार के लिए खिलजी दिल्ली से चित्तौड़ आया, अगर उस रूप की एक झलक भी मिल जाए तो उसका सफर सफल हो जाए। पैगाम के अनुसार वह रानी की एक झलक दूर से ही देखना चाहता था और उसने वादा किया था कि एक बार देखने के बाद वह दिल्ली वापस लौट जाएगा। जब रानी तक यह बात पहुंची तो उन्होंने पहले तो इनकार कर दिया, लेकिन बहुत सोचने के बाद प्रजा के हित के लिए रानी ने तय किया कि वह अपने महल की सीढ़ियों तक आएंगी और सामने लगे एक कमरे के दर्पण में अलाउद्दीन रानी का प्रतिबिंब देखेगा। इस प्रकार ना तो राजपूती मर्यादा का उल्लंघन होगा और सुल्तान की बात भी रख ली जाएगी। शर्तानुसार रानी सरोवर के मध्य बने महल की सीढ़ियों पर पहुंची और दूसरी तरफ रानी को इतनी दूर से दर्पण में देखकर सुल्तान के होश उड़ गए। रानी की एक झलक पाने के बाद खिलजी ने राणा रतन सिंह से इजाजत ली और अपना दिल्ली की तरफ रुख किया। अतिथि देवो भव का पालन करते हुए राजा सुल्तान को विदा करने के लिए बाहर तक आए और बातों ही बातों में न जाने कब दुर्ग के सातों द्वार पार कर पहाड़ी के नीचे आ गए। मौका देखकर सुल्तान ने अपनी सेना को इशारा किया और राजा को बंदी बना लिया गया। महल में संदेश भेज दिया गया कि यदि राजा जीवित चाहिए तो रानी पद्मिनी को सुल्तान के सामने पेश होना पड़ेगा। यह रानी के लिए अत्यंत संकट का क्षण था। उसने अपनी मायके के संबंधी गोरा नाम के वृद्ध व्यक्ति को बुलाया। गोरा तथा उसका भतीजा दोनों ही रानी की मदद के लिए महल में पधारे। रानी ने सुल्तान द्वारा किए गए धोखे की बात उनके सामने रखी। एक लंबी चर्चा के पश्चात रानी के कहे अनुसार गोरा ने खिलजी को संदेश पहुंचाया कि रानी दिल्ली जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन जाने से पहले कुछ देर राणा से मिलना चाहती हैं। संध्या के समय चित्तौड़गढ़ से 100 पालकियां उतरी। खिलजी को भरोसा हो गया कि रानी पद्मिनी उसकी खिदमत में पधार रही हैं। सुल्तान को बताया गया कि रानी की सखियां उसे विदा देने आई हैं। रानी की पालकी को एक बंद तंबू में उतारा गया और राजा को रानी से मिलने की इजाजत दी गई। जब राणा ने लज्जित होकर रानी से माफी मांगी तो जवाब मिला कि वो रानी नहीं बल्कि रानी के भेष में गोरा का भतीजा है। बादल ने राणा की जंजीरें काटकर उसे आजाद कर दिया और बाहर खड़े घोड़े के द्वारा राणा को चित्तौड़ किले में
भेज दिया गया। जब तक खिलजी को इस षड्यंत्र की खबर हुई तब तक राणा ने दुर्ग में प्रवेश कर लिया था। उधर गोरा तथा बादल सहित पालकी में सवार सभी सैनिकों ने सुल्तान की सेना पर आक्रमण कर दिया, लेकिन जहां सुल्तान की लाखों की संख्या में सेना थी वहां चित्तौड़ की हजारों की सेना कहां तक संघर्ष करती। अलाउद्दीन धीरे धीरे किले के दरवाजे पार कर अंदर प्रवेश करने लगा। उधर किले में मौजूद बालक तथा युवाओं से लेकर सभी अंतिम युद्ध के लिए कमर कसे हुए थे। जब राजपूती स्त्रियों को पराजय का आभास हो गया तो खिलजी की शरण में जाने से बेहतर उन्हें अपने प्राण त्यागने लगा। और जहां एक ओर पुरुष युद्ध के लिए निकल पड़े, स्त्रियों ने अपने लिए चिता तैयार की। जोहर की तैयारी के बाद स्त्रियां मंगल गीत गाती हुई राजपूतों के सैनिक सुल्तान की सेना के साथ युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो रहे थे। सगों के ढेर पर से सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने महल में प्रवेश किया तो उसे वहां एक विशाल चिता मिली और इस प्रकार रानी पद्मनी की बहादुरी की मिसाल को इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। दोस्तों, हम आशा करते हैं रानी पद्मावती की यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने सवाल जवाब हमें कमेंट के माध्यम से बताते रहें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे।